करीना कपूर गुस्से में लाल हैं। करीना को बर्दाश्त नहीं हो रही कैटरीना और प्रियंका की दखलंदाजी। जी हाँ, इसे दखलंदाजी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि करीना की दोनों फिल्मों में बॉलीवुड की इन दोनों हीरोइंस ने अनऑफिशियल कब्जा कर लिया है। और मजे की बात तो ये है कि ये दोनों ही हीरोइंस करीना की रह चुकी हैं आर्ख राइवल्स। जहां एक तरफ फिल्म रावण में प्रियंका चोपड़ा का कैमियो है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म बॉडीगार्ड में कैटरीना कैफ ने आइटम नंबर कर दिया है। ऐसे में अब मीडिया में फिल्म बॉडीगार्ड को लेकर कैटरीना के आइटम नंबर के ज्यादा चर्चे हैं और फिल्म रावण में प्रियंका के कैमियो के भी लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं। अब ये सब देखकर करीना को तो आग लगनी ही थी। वैसे भी करीना की प्रियंका से बिल्कुल नहीं बनती और बहुत बार वो मीडिया में ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ बोल चुकी हैं। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं, बट नॉट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक द ओनली थिंग आई हैव एक्चुअली एवर सेड वाज अबाउट द होल एक्सेंट थिंग ऑन कॉफी विद करण, व्हिच वाज लाइक अ जोक, बिकॉज़ आई थॉट दैट शी वाज, आई मीन इट वाज समथिंग लाइक मोर लाइक टंग इन चीक एंड फन। वेरी रॉन्ग दैट यू हैव सेड दैट एंड इट इज वेरी अपसेटिंग। आई डिडंट थिंक दैट शी वुड you know, make it such a big deal. But since it did say, and she went on to say a few things, but I think it's each to its own, because I want to maintain a silence about it and I have no issues from my side. और कैटरीना करीना को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि दोनों में हमेशा से ही नंबर वन की वॉर चल रही है। ऐसे में जब इन दोनों हीरोइंस ने करीना की फिल्म में एंट्री मारी तो करीना फिल्म की शूटिंग से बाहर चली गई। जी हाँ, सोर्सेस ने बताया है कि जब प्रियंका और कैटरीना फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उस वक्त करीना शूटिंग लोकेशन से चली गई थी। लेकिन हाँ, करीना ने छुप छुप कर इन बातों की खबर जरूर ली कि दोनों से क्या क्या शूट करवाया जा रहा है। अब ये सब देखकर प्रियंका और कैटरीना जरूर खुश हो रही होंगी, क्योंकि दोनों ने करीना की फिल्म में उनकी मर्जी के बिना ही कैमियो करके दिखा दिया है ठेंगा।